हेलो एवरीवन, आई एम सीए चैतन्य बावकर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स क्लास। सो बच्चों, हमने चैप्टर 3 यानी कि प्रोडक्शन एंड कॉस्ट शुरू किया है, वो हम देख रहे हैं। और उसके अंदर हमने शुरुआत में जो था मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन वो देख लिया, उसके बाद में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देख लिए, उसके बाद में हमने इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स, इंटरप्राइज के कंस्ट्रेंट्स एंड इंटरप्राइज के प्रॉब्लम्स, यहाँ तक पार्ट हमने कवर कर लिया। अभी जो आगे का पार्ट है हमारा वो अलग है, वो अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है। इसके पहले हमने जो देखा वो काफ़ी सारा थियोरेटिकल पार्ट हो गया था, इसके आगे थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट है, अच्छा है। इसके अंदर बेसिकली अपने को देखना है प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, उसके बाद में शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन कैसे वर्क करता है एंड लॉन्ग रन में उसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है। करेक्ट। सो सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। करेक्ट। और उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि भाई ये शॉर्ट रन में अलग क्यों है, लॉन्ग रन में अलग क्यों है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है, 1 साल है, 2 साल है, 12 महीने है, जैसा अकाउंटिंग के अंदर करंट असेट्स या करंट लाइबिलिटीज, इनके केस में अपन देखते हैं कि 12 महीने से जिसका कम पीरियड है वो अपन करंट में डाल देते हैं, करंट असेट्स है, करंट लाइबिलिटीज। तो क्या इकोनॉमिक्स में भी शॉर्ट रन यानी कि 12 महीने है, ये हमें सब कुछ यहाँ पे देखना है। सो बेसिकली द फ्लो विल बी, सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, उसके बाद में हम ये देखेंगे कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन मतलब एग्जैक्टली क्या डिफरेंसिएशन है इसके अंदर। करेक्ट। ये क्यों अलग अलग है, क्या ऐसा क्राइटेरिया है जिसका हम यूज करेंगे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि भैया ये वाला जो पीरियड है ये शॉर्ट रन में आ रहा है और ये वाला जो पीरियड है ये लॉन्ग रन में आ रहा है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। फिर शॉर्ट रन का और लॉन्ग रन के अलग अलग रूल है, अलग अलग लॉ है, रूल नहीं, इकोनॉमिक्स में लॉ बोलते हैं अपन, अलग अलग लॉज है उसके लिए, प्रोडक्शन के जो लॉज है वो अलग अलग है दोनों के भी, मैंने कंटेंट में लिखवाया था आपको। फिर वो लॉज देखने के बाद में फिर से हम रिकनसेल करेंगे कि देखो शॉर्ट रन का और लॉन्ग रन का जो क्राइटेरिया था उसके हिसाब से ये लॉ कैसे सूट करते उस पीरियड को, उस दौर को, मतलब शॉर्ट रन या लॉन्ग रन उसको ये लॉ कैसे सूट करता है ये फिर से देखेंगे। मतलब द फ्लो विल बी द फर्स्ट प्रोडक्शन फंक्शन, उसके बाद में व्हाट इज शॉर्ट रन, व्हाट इज लॉन्ग रन, उसके बाद में उसके लॉज, और फिर से एक बार रिकनसाइल करेंगे कि भैया शॉर्ट रन का ये लॉ क्यों है, लॉन्ग रन का ये लॉ क्यों है, तो फिर ये सब कुछ अपने माइंड में बैठ जाएगा। तो ये जो भी वीडियोज आएंगे इसके 1, 2, 3 जो भी वीडियोज बनेंगे ये आप अच्छे से देखोगे, सिक्वेंशियली देखोगे, तो क्या हो जाएगा ये पूरा माइंड मैप आपके माइंड में रेडी हो जाएगा, फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर ये कॉन्सेप्ट ऐसे देखा जाए तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ध्यान में नहीं आते फर्स्ट टाइम में तो दीज आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप मॉड्यूल पढ़ के उसको मतलब रीड करके अगर समझने की कोशिश करोगे तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इसके लिए ये वीडियोज मिस मत करना, यहाँ पे सिक्वेंस मिस मत करना। हो सकता है, जैसा हर वीडियो में नहीं बोलता हूँ मैं, बट इस वीडियो में जानबूझ के बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि इसमें शुरुआत में आपको लगे कि स्पीड थोड़ा कम हो रहा है, एक ही चीज़ बार बार बोल रहे हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आगे का सोच के। ये जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ना वो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में घुस जाना बहुत जरूरी है। सो इसके लिए स्पीड मत बढ़ाओ, कुछ मत करो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है और कॉम्प्लिकेटेड। तो इसके लिए जैसे वीडियो चल रहा है वैसा चलने दो, बाकी जो थियोरेटिकल वीडियोज वगैरह वहाँ पे मैं बोलता हूँ कभी कभार कि आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, बट इन वीडियोज में ये जो 2-3 वीडियोज आएंगे इसके अंदर आपको ये कुछ सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए फिर मैं आपको कंटेंट की शीट पे लेके जाता हूँ। ये हमने देखा था इसके पहले ऑलरेडी, हमने 3.1.1 से लेके 3.1.5 यानी कि इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन से लेके तो एंटरप्राइज के प्रॉब्लम्स तक जो पार्ट है वो हमारा कवर हो चुका है ऑलरेडी, राइट। सो अभी अपन जो देखने वाले हैं वो है प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन, ठीक है। चलिए एक मिनट, 3.1.6 था नहीं, हाँ चल हेडिंग डालो 3.1.6। थ्री पॉइंट वन पॉइंट सिक्स प्रोडक्शन फंक्शन एंड शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन।
ये दोनों भी पार्ट अपन देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, उसके बाद में ये भी पता करेंगे कि व्हाट इज शॉर्ट रन व्हाट इज लॉन्ग रन। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, कि एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लो मुझे इसके ये बनाना है, क्या बनाते हैं, हाँ ऐसा मान लो कि टेबल बनाना है मुझे, टेबल। अब टेबल बनाने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा? टेबल बनाने के लिए मुझे मेटल चाहिए, करेक्ट। मुझे फर्नीचर चाहिए, मतलब लकड़ी, वुड बोलते हैं अपन इसको, वुड चाहिए। फिर उसके उसके कुछ स्क्रू ड्राइवर होंगे, उसके हिंजेस हो गए, ये सब चाहिए। उसको फिटिंग वगैरह करने के लिए, वुड कट करने के लिए, वो मेटल जो है मतलब स्टील वगैरह, आयरन या स्टील, स्टील का बनेंगे मान लो अपन, मेटल का स्टील का बनाएंगे समझ लो। तो उसको मुझे फिट करने के लिए वगैरह मुझे मशीनरीज लगेंगे, टूल्स लगेंगे, करेक्ट। मशीनरीज लगेंगे, उसके टूल्स वगैरह, वो सब चीजें लगेंगी। ये सब चीजें मैं जहां पे रखूंगा, जिस पे मैं काम करूंगा, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ लैंड की जरूरत पड़ेगी, और ये काम करने वाले लोग यानी कि लेबर की जरूरत पड़ेगी, और ये सबको साथ में लाके मैं कर रहा हूं, यानी कि आई एम द एंटरप्रेनर। अगर मैं ये सब इनको सबको काम पे लगा के, टेबल बना के अगर ये मैं बेचने वाला हूं, तो आई विल बी द एंटरप्रेनर। आपको ध्यान में आ रहा होगा कि हम क्या देख रहे हैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे लेके जा रही है अपने को। तो बच्चों मेटल से लेके तो मशीनरी टूल्स, सॉरी मशीनरी टूल्स, हाँ एक सेकेंड, मेटल से लेके तो मशीनरी टूल तक का जो पार्ट ही आता है मेरा, कैपिटल में अंदर, ये है लैंड। तो ये एक हो गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये दूसरा हो गया लैंड, तीसरा हो गया लेबर, एंड आई एम द फोर्थ वन यानी एंटरप्रेनर। तो ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मुझे जरूरत पड़ेगी। कुछ भी चीज, कुछ भी दुनिया की कोई भी चीज अगर मुझे प्रोड्यूस करनी है, तो आई विल नीड दिस फोर थिंग्स, एंटरप्रेनर, कैपिटल, लेबर, लैंड, करेक्ट, गेटिंग मी। तो मेरा जो टेबल बन जाएगा, ये सब पे बनेगा ये, इसके लिए ये सारे इनपुट्स है, ये मेटल हो गया, वुड हो गया, स्क्रू, हिंजेस, मशीनरी, टूल्स, लैंड, लेबर, ये सब क्या हो गए, उसके लिए इनपुट्स हो गए, और टेबल जो है मेरा आउटपुट है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि टेबल जो है मेरा, इट विल कंसिस्ट ऑफ, टेबल इज इक्वल टू, टेबल इज इक्वल टू व्हाट? टेबल इज इक्वल टू स्टील प्लस वुड प्लस स्क्रू हिंजेस प्लस मशीनरी टूल्स, एक सेकेंड, प्लस मशीनरी और टूल्स प्लस लैंड प्लस लेबर का कुछ पार्ट एंड प्लस एंटरप्रिनर का पार्ट, ये सबको मिला के क्या बनता है मेरा? मेरा बनता है टेबल। टेबल को मैं बोलता हूं आउटपुट, और इसको, ये सबको मिला के हम बोलते हैं इनपुट्स। क्या बोलेंगे? इनपुट्स। गेटिंग मी? इनपुट। यही तो चीज देख रहे हैं ना बट, कि भैया टेबल किस चीज का बना? स्टील, वुड, आपका स्क्रू, हिंजेस, मशीनरी, टूल्स, लैंड, लेबर, इंटरप्रेनर, ये सबका मतलब बना कि इस सबको मिला के क्या बना? टेबल। तो टेबल मेरा हो गया आउटपुट, और ये जो सारी चीजें हो गई इनपुट, यही मेरा प्रोडक्शन फंक्शन, दिस इज माई प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन बोलता ही है कि आपके जो सारे इनपुट्स है, वो सबको यूज करके, उसको मिला के आप जो बना रहे हो, वो आउटपुट बन गया आपका। अब सिर्फ यहाँ पे एक डिफरेंस है, कि डिफरेंस मतलब है ही नहीं, थोड़ा और स्पेसिफिक अगर मुझे बोलना है, तो यहाँ पे मुझे बोलना पड़ता है रेट ऑफ आउटपुट। आउटपुट को क्या बोलता हूं मैं? रेट ऑफ आउटपुट, रेट ऑफ आउटपुट। अब रेट ऑफ आउटपुट का क्या है मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि मैं 10 टेबल बना लेता हूं, 10 टेबल्स पर डे, या फिर 300 टेबल्स पर मंथ, या फिर 1 टेबल पर आवर। और ये इनपुट्स का क्या मतलब है? इनपुट्स का मतलब होता है यूनिट ऑफ, सॉरी, इनपुट्स कंज्यूम्ड
पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि वही मतलब है इसका भी कि मेरा भैया वुड कितना यूज हो रहा है, कितना यूज हो रहा है वुड, मान लो वुड मेटल स्क्रू इंजेस ये सब मिला के, मैं केजी में बोलता हूँ, मैं अलग अलग नहीं बोलता उसको, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई मैं 10 kg पर आवर यूज कर रहा हूं, या 100 kg पर डे, या फिर 3000 kg पर मंथ, ये मैं मेरा इनपुट यूज कर रहा हूँ 10 kg। फिर लेबर को क्या बोल सकता हूँ मैं, मान लो मेरे पास 4 लेबर काम कर रहे हैं, अगर वो 1 घंटा काम करते एक टेबल बनाने के लिए, तो मैं क्या कर क्या बोल सकता हूँ इसको, 4 man hours, करेक्ट, 4 man hours। तो ये जो भी मेरे इनपुट्स है, अब इसके अंदर एंटरप्रेनर्स का लैंड का अगर नहीं आता है, वो तो मैंने आपको एग्जांपल लेने के लिए बताया था, पर जो भी मेरे इनपुट्स है वो पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि 1 घंटे में कितना यूज हो रहा है, 1 महीने में कितना यूज हो रहा है, 1 दिन में कितना यूज हो रहा है, 1 मिनट में कितना यूज हो रहा है, 3 घंटे में कितना, हाफ डे में कितना, 15 दिन में, 1 हफ्ते में, मैं जो भी पीरियड ऑफ टाइम लगाऊ उतने में मैं इनपुट कितना यूज कर रहा हूँ और उससे आउटपुट कितना बना रहा हूँ। अल्टीमेटली मुझे क्या समझना है पता है क्या, अल्टीमेटली मुझे ये बनाना है इक्वेशन कि भैया 1 घंटे में मैं एक टेबल बनाता हूँ ना, या एक एक दस एक दिन का पकड़ लेता हूँ, 10 tables पर डे बनाता हूं मैं अगर, तो इसके लिए मुझे क्या क्या लग रहा है, इसके लिए मुझे 100 kg मटेरियल लग रहा है, रॉ मटेरियल प्लस 4 लेबर लग रहे हैं मुझे, और इनके कितने घंटे काम कर रहे हैं, मान लो 10 घंटे इंटू 10 आवर्स, इतना मुझे लेबर लग रहा है। ये जो मेरा इनपुट बताने का तरीका है ना मेरा, यही मेरा प्रोडक्शन फंक्शन, यही क्या है मेरा प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसको एक इक्वेशन के जैसा बनाते हैं इसको, ये है क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ, क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी सी डी ई, ऐसा करते करते तो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये जो सारे ए बी सी डी ई है ना, ये सारे मेरे इनपुट्स है, इनपुट्स कंज्यूम्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम, और क्यू है मेरा रेट ऑफ आउटपुट, रेट ऑफ आउटपुट। तो जो मैंने ऊपर आपको समझाया प्रोडक्शन फंक्शन वही है, बस यहाँ पे आपको ये इक्वेशन के तरीके से याद रखना है। इसको अपन थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, इसको 1 मिनट इसको हाईलाइट कर देंगे, यार प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे रेट ऑफ आउटपुट, और यहाँ पे बोल रहे हैं इनपुट्स कंज्यूम्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। तो यही है, सिर्फ आपको यहाँ पे इक्वेशन के जैसे याद रखना है इसको, ठीक है। अगर ये आपको ध्यान में आ गया होगा तो इसके बाद में मुझे डिस्कस करने हैं इसके एजम्पशंस, बट एजम्पशन डिस्कस करने से पहले एक 2 मिनट के लिए शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन डिस्कस करते हैं। आपको अगर एक बात ध्यान में आ गई होंगी इसमें, तो मेरा जो भी आउटपुट है इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन माय इनपुट्स, गेटिंग मी, आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट्स, एम आई राइट। जैसे मान लो किसी दिन मेरे यहां लकड़ी आई ही नहीं, मेरे गोडाउन में मैंने चेक किया लकड़ी है ही नहीं, मैंने मेरे सप्लायर को ऑर्डर दिया भैया लकड़ी भेज जल्दी, और उसने बोल दिया कि बॉस 2 दिन रुकना पड़ेगा, 2 दिन के बाद मिलेगी लकड़ी, तो 2 दिन मेरा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, मतलब मेरा टेबल का जो प्रोडक्शन इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन माय इनपुट्स। मान लो किसी दिन मेरे लेबर आए ही नहीं, या 2-3 लेबर कम आ गए, तो क्या होगा, टेबल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सारा मटेरियल अवेलेबल है मेरे पास, दिन के मैं 10 टेबल बनाता हूँ, रोज के मेरे 4 लेबर का काम पड़ता है, मान लो आज 2 ही लेबर आए, तो क्या होगा, दिन के 10 टेबल नहीं बनेंगे, अभी 5 टेबल बनेंगे। तो मैं आपको ये बताना ये चाह रहा हूं कि मेरा आउटपुट जो है इट इज द डिपेंडेंट फैक्टर, जो प्रोडक्शन है
जो आउटपुट है इट इज अ डिपेंडेंट फैक्टर। किसके ऊपर डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट है मेरे इनपुट्स के ऊपर। मतलब इनपुट्स का होना या ना होना, होना कम होना ज्यादा होना, ये सारी चीजों पे मेरा प्रोडक्शन डिपेंडेंट है। प्रोडक्शन कम ज्यादा होने वाले, मान लो मेरे पास कोई मशीनरी है वो कुछ काम करते करते गर्म हो गई और अचानक से बंद पड़ गई, 2-3 घंटे काम नहीं कर रही हूं मशीनरी, आउटपुट रुक जाएगा। हो सकता है कि मेरी जो अभी मशीनरी है उसको यूज करके मैं 10 टेबल बनाता हूँ, कोई नया आदमी आता है, कोई दूसरे खारे फैक्ट्री से या किसी और कंपनी से कोई सेल्समैन आता है मेरे यहाँ, बोलता है भैया इस मशीन की जगह आप हमारी मशीन यूज करके देखिए, आपका काम और एफिशिएंटली होगा। आज जो आप दिन के 10 टेबल बना रहे हो आप 50 टेबल बना पाओगे। क्यों? तो बोले उसके अंदर अगर हमने टेबल का अगर डिजाइन डाल दिया 3D डिजाइन, तो वो लकड़ी को काटना, मेटल्स को काटना, उसको असेंबल करना, ये सब काम मशीनरी खुद कर लेती। बोले एक साइड से आप ये डाल दो लकड़ी और स्टील वगैरह, स्क्रू हिंजेस, और उसके अंदर टेबल का डिजाइन डाल दो। आती है ना ऐसी, इमेजिनरी चीज नहीं बोल रहा, एक्चुअल में है ऐसी। फैब्रिकेशन का जो लोग काम करते हैं उनको पूछ के देखो आप, या फिर 3D प्रिंटिंग, ऐसा अगर आपने कुछ वर्ड सुना होगा तो उसके बारे में और सर्च करो। उसके अंदर अगर आपने रॉ मटेरियल डाल दिया और एक तरीके से डिजाइन डाल दिया, तो वो खुद पूरा का पूरा वो जो चीज है वो पूरा बना के ही बाहर निकल देते उस मशीन से। तो बोले आपका अभी 10 टेबल बना रहे हो, 50 बना लोगे आप, तो ये क्या हो गया? टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है। मतलब क्या है, हर एक चीज, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, हर एक चीज का आपके प्रोडक्शन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। आप बोलोगे सर एंटरप्रेन्योर का नहीं पड़ता क्या इंपैक्ट? अबे मैं अगर एंटरप्रेन्योर अगर बोलूं कि नहीं आज के दिन फैक्ट्री बंद रखो, नहीं होगा प्रोडक्शन। तो हर एक इनपुट का प्रोडक्शन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। मतलब प्रोडक्शन इज अ डिपेंडेंट फैक्टर। किसके ऊपर डिपेंडेंट है वो? इनपुट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। गेटिंग मी और नॉट? यस, इट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट। अब मुझे बताइए, अगर मैंने इनपुट चेंज कर दिए तो क्या मेरा प्रोडक्शन बदलेगा? जी हाँ, अगर मैंने इनपुट बढ़ा दिया, अभी मेरे पास 4 लेबर है, मैंने 8 लेबर कर दी, तो क्या मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा? जी हाँ। मेरे पास अभी 2 मशीनरी है, मैंने उसकी 4 मशीनरीज करी, क्या मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा? बोलो हाँ। अरे बोलो रे। हाँ, अगर मैंने इनपुट बढ़ाया तो प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या? बोलो हाँ। हाँ, अगर मैंने नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन लेके आया तो प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या? हाँ। मुझे बोलो किसी भी सप्लायर का, किसी भी बंदे का जो प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी इच्छा क्या होगी? प्रोडक्शन कम करूँ या ज्यादा करूँ? ऑब्वियसली ज्यादा करूँ। हमने सप्लाई के अंदर देखा कि जितनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतना ज्यादा बेच पाऊंगा, जितना ज्यादा बेचूंगा उतना ज्यादा प्रॉफिट है। सो अल्टीमेटली हर एक बंदा ये चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा बेचूं, और ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सो एवरीवन इज थिंकिंग कि भैया हमको ज्यादा प्रोड्यूस करना है, तो ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए आपको इनपुट ज्यादा लगेंगे। गेटिंग मी? मुझे ज्यादा लैंड लगेगी, करेक्ट, जमीन ज्यादा लगेगी ना, जिसके ऊपर मैं बड़ी फैक्ट्री बनाऊंगा, बड़ा गोडाउन बनाऊंगा, ज्यादा मशीनरीज लाऊंगा, ज्यादा लेबर लाऊंगा, ज्यादा रॉ मटेरियल लाऊंगा, ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा, ज्यादा बेचूंगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। गेटिंग मी? वेरी इजी, बट प्रैक्टिकल में इतना आसान नहीं होता। प्रैक्टिकली आप जब चाहो तब इनपुट्स नहीं बढ़ा सकते। ऐसा होता है क्या, कल तक आपके पास 4 लेबर थे, आज आपने सडनली 8 लेबर कर दिए, 8-15 दिन आपने प्रोडक्शन ज्यादा कर लिया, अभी आपको ध्यान में आ गया कि जितना मैं बेच पा रहा हूँ उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो चुका है, फिर और 5-6 लेबर कम कर दिए 15 दिन के लिए, फिर वापस प्रोडक्शन कम हो गया, फिर आपके पास जो माल पड़ा था वो बिक गया, और फिर आपने वापस से लेबर बढ़ा दी। इज इट पॉसिबल? नो। मशीनरी आपके पास एक मशीन है, आपको लग रहा है कि अभी दिवाली का सीजन है, मान लो आप पटाखे बनाते हो या मिठाई बनाते हो, आपको पता है कि दिवाली के लिए अभी ज्यादा मिठाई लगेंगी, ज्यादा मिठाई बिक सकती है, तो ज्यादा प्रोडक्शन करूं मैं, तो 15-20 दिन के लिए आपने नई मशीनरी परचेस कर ली, 15-20 दिन के बाद बेच दी। इज इट पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। कहीं ना कहीं इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स है। तो कुछ इनपुट ऐसे होंगे जो आप सडनली बढ़ा सकते हो और सडनली उसको कम भी कर सकते हो, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, आपको ज्यादा लग रहा है आप एक्स्ट्रा ऑर्डर कर लो ना यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिठाई बनाने के लिए क्या चाहिए? शक्कर चाहिए, दूध चाहिए, घी चाहिए, और बाकी जो चीजें लगती होगी। अगर मैंने वो एक्स्ट्रा ऑर्डर दे के रख दिया पहले से, पहले मैं एक डेयरी से माल परचेस करता था, मैं 2 डेयरी से परचेस कर लूंगा, मेरे आ जाएगा रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा, बट मैं लेबर सडनली नहीं बढ़ा पाऊंगा, मैं मशीनरी सडनली नहीं बढ़ा पाऊंगा, मैं लैंड सडनली नहीं बढ़ा पाऊंगा। या हो सकता है कि कुछ बिजनेस ऐसे जिसके अंदर मैं कैपिटल बढ़ा सकता हूँ सडनली, जैसे मेरा सीए का प्रैक्टिस है, मेरे लिए कैपिटल क्या है? कंप्यूटर, लैपटॉप। तो लैपटॉप मुझे रेंट पे मिल जाते, अगर मुझे 1-2 महीने के लिए चाहिए मैं फटाक से रेंट पे ला लूंगा, वापस कर दूंगा।
तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये इनपुट आप बढ़ा सकते हो, ये इनपुट नहीं बढ़ा सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है, करेक्ट। लेकिन ऐसा जरूर होगा कि कुछ इनपुट्स होंगे जो आप बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो सडनली जब चाहो तब, और कुछ इनपुट्स होंगे जो आप बढ़ाने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, यू विल रिक्वायर मोर टाइम। नई फैक्ट्री बनाना है, इज इट पॉसिबल कि आप 2 दिन में नई फैक्ट्री बना के उसके अंदर प्रोडक्शन चालू कर दिया? यू विल नीड एटलीस्ट 1-2 साल का प्लानिंग लगेगा। कंस्ट्रक्शन करेंगे, शेड बनाएंगे, मशीनरी इंस्टॉल करेंगे, फिर प्रोडक्शन चालू करेंगे, कुछ ना कुछ टाइम लेगा वो। सर ये सब क्यों बोल रहे हो आप अभी? मुझे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो क्लासिफिकेशन है ना, ये इस इनपुट पे बेस्ड है। मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, बट अभी हमने आउटपुट, इनपुट, डिपेंडेंसी ये सब कुछ डिस्कस कर लिया। तो इसके साथ ही मुझे ये बोलना है आपको कि जब आप सारे के सारे इनपुट्स नहीं बढ़ा सकते, हाँ कुछ बढ़ा सकते हो, कुछ इनपुट्स बढ़ा सकते हो आप, बट सब इनपुट्स नहीं बढ़ा सकते, उस पीरियड को बोलते हैं शॉर्ट रन। यानी कि आप समझ रहे हो कि 1 साल के अंदर मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है, बट आपको ये ध्यान में आ गया कि 1 साल में मैं मेरा रॉ मटेरियल तो बढ़ा दूंगा भैया, मैं लेबर भी बढ़ा दूंगा, 1 साल मुझे हायरिंग के लिए काफी है, मैं लैंड भी रेंट पे ले लूंगा कोई बात नहीं है, या नई परचेस कर लूंगा, 1 साल काफी होता है उसके लिए, लेकिन मैं फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाऊंगा ना। मतलब रेस्ट्रिक्शन आ गया कि मैं फैक्ट्री नहीं बना सकता 1 साल में, उसको कम से कम 2 साल लगेंगे, उसके अंदर मशीनरी इंस्टॉल होना ये सब चीजों को लगेंगे 2 साल, वो नहीं हो सकता जल्दी। मतलब 1 साल इज योर शॉर्ट रन की जिसके अंदर आप सारे फैक्टर्स नहीं बढ़ा सकते, या 6 महीने इज योर शॉर्ट रन उसके अंदर आप सारे फैक्टर्स नहीं बढ़ा सकते। तो फिर मैंने एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट आपको पूछा कि भैया 2 साल में तो बढ़ा सकते हो क्या सब कुछ? बोले हाँ, 2 साल में मैं एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल के ऑर्डर देके रॉ मटेरियल भी ला सकता हूँ, मैं लेबर भी एक्स्ट्रा हायर कर सकता हूँ, मैं मशीनरी भी परचेस कर सकता हूँ, मैं फैक्ट्री भी बना सकता हूँ, उसके अंदर मशीनरी इंस्टॉल भी कर सकता हूँ, मेरे सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ा सकता हूँ। बोले कितना टाइम में बढ़ा सकते हो? बोले 2 साल में बढ़ा सकता हूँ। तो 2 ईयर इज योर लॉन्ग रन जिसके अंदर आप सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, सारे इनपुट्स आप बढ़ा सकते हो। गेटिंग मी और नॉट? हाँ या ना? तो 2 साल में आप जब सारे फैक्टर्स बढ़ा सकते हो तो 2 साल को बोला जाएगा लॉन्ग रन, और 2 साल से कम पीरियड जो भी रहेगा, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, इसको बोला जाएगा शॉर्ट रन जिसके अंदर आप सारे इनपुट्स को बढ़ा नहीं सकते हो। गेटिंग मी? इसको बाद में लिखेंगे अपन, बट अभी के लिए आपको मतलब तो ध्यान में आ गया ना इसका, क्योंकि ये इसके साथ पढ़ाना जरूरी था मुझे। ये जो आप ABCDE देख रहे हो सकता है इसमें से ABC ये आप 1 महीने में बढ़ा दो, डी जो है इसको बढ़ाने के लिए समझ लीजिए 1 महीने में बढ़ा रहे हो, डी को बढ़ाने के लिए 3 मंथ्स लगेंगे, ई को बढ़ाने के लिए 6 मंथ्स लगेंगे, मान लो यहाँ पे EFG भी है, एफ को बढ़ाने के लिए 1 साल लगेगा 1 ईयर, जी को बढ़ाने के लिए 2 ईयर्स लगेंगे, तो ये 1 महीना भी शॉर्ट रन हो जाएगा क्योंकि इसमें तो सिर्फ ABC बढ़ रहा है, सारे नहीं बढ़ रहे। 3 महीने भी शॉर्ट रन हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर ABC और D बढ़ रहा है, सारे नहीं बढ़ रहे। 6 महीने भी अगर मैं पूछूं तो ये भी शॉर्ट रन हो जाएगा क्योंकि ABCDE बढ़ रहा है लेकिन FG नहीं बढ़ सकता है। अगर मैं 1 ईयर भी बोलूं तो भी ये शॉर्ट रन होगा क्योंकि ABCDEF बढ़ा सकते हो लेकिन G नहीं बढ़ा सकते हो, करेक्ट। कोई एक भी अगर बाकी है ना बढ़ाने का, कोई एक के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है, किसी एक इनपुट के ऊपर भी कंस्ट्रेंट है तो उसको बोला जाएगा शॉर्ट रन। लेकिन 2 ईयर के अंदर आप सब बढ़ा सकते हो, ए भी बढ़ा सकते हो, बी सी डी ई एफ जी सब कुछ बढ़ा सकते हो, ऑल ऑफ योर इनपुट्स विल राइज और आपका प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। मान लो इनपुट आपने डबल कर दिया, प्रोडक्शन डबल हो गया आपका, तो फिर 2 ईयर को बोला जाएगा लॉन्ग रन। समझ आ गया क्या? हाँ या ना? गेटिंग मी? चलो इसको मिटा देते अपन, ये मत लिखो आप 1 मंथ वगैरह, ये सब मैं बाद में जब शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन डिस्कस करूंगा उस टाइम पे आप ये सब आएगा ही ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए तो बच्चों आउटपुट को क्या बोला जाता है? आउटपुट को बोला जाता है डिपेंडेंट फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? डिपेंडेंट फैक्टर, इसको बोला जाएगा डिपेंडेंट फैक्टर। डिपेंडेंट फैक्टर क्यों बोला जाएगा डिपेंडेंट फैक्टर? बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट्स, इनपुट के ऊपर वो डिपेंडेंट है, राइट। चलो इसके 3 एजम्पशंस है।
एजम्पशन लिखेंगे, एजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, लिखो एजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन लिखो। द फर्स्ट एजम्पशन इज, फर्स्ट एजम्पशन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स एंड आउटपुट इज, काम करो ऐसा लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट एग्जिस्ट एग्जिस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल 10 kg रॉ मटेरियल प्लस 4 लेबर प्लस 100 या 1000 लिखो, 1000 स्क्वायर फुट लैंड प्लस 500 स्क्वायर फुट का गोडाउन ये सब मिला के वन टेबल बनता है कब, 1 घंटे में, हाईलाइट करना है 1 आवर को, इन 1 आवर, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक पीरियड का इक्वेशन 1 घंटे का है, आपने गोडाउन में जाके देख लिया आपके पास 100 टेबल बने पड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 10 kg ऑफ रॉ मटेरियल प्लस 4 लेबर प्लस 1000 स्क्वायर फुट लैंड प्लस 500 स्क्वायर फुट का गोडाउन ये सब मिला के 100 टेबल बन गए, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसको टाइम ही बताया नहीं ना आपने कितने टाइम में, तो इसके लिए आपको हमेशा यहाँ पे टाइम बताना पड़ेगा, करेक्ट करेक्ट। यहां लिख लो, यहां आपको पीरियड बताना पड़ेगा, पीरियड बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है, कितने समय में इसका जवाब देना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहां पे एक्यूमुलेटेड जो प्रोडक्शन है, एक्यूमुलेटेड मतलब आज गोडाउन में कितना प्रोडक्शन पड़ा हुआ है उसका कोई मायना नहीं है यहां पे, एक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन, एक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर, आज तक कितना प्रोडक्शन हो चुका है या गोडाउन में कितना प्रोडक्शन पड़ा हुआ है इसका कोई मायना नहीं है, आज के 1 दिन में कितना प्रोडक्शन हुआ, 1 घंटे में कितना हुआ, 1 महीने में कितना हुआ, 15 दिन में कितना हुआ, चलेगा ना, ये पीरियड कितना भी बढ़ा सकते हो आप। आप ये भी बोल सकते हो कि साल भर में भैया मैं इतने टेबल बनाता हूँ, करेक्ट, महीने के 300 अगर है तो साल भर में मैं 3600 टेबल बनाता हूँ, चलेगा, बट आपको ये बोलना पड़ेगा साल भर में, ये बोल के मतलब नहीं कि आज गोडाउन में 100 टेबल पड़े हुए हैं, 1000 टेबल प्रोडक्शन करके रेडी है, इसका कोई मतलब नहीं। यू हैव टू ऑलवेज 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 मेजर द प्रोडक्शन इन रेफरेंस टू स्पेसिफिक पीरियड, गेटिंग मी, तो स्पेसिफिक पीरियड बहुत जरूरी है यहां पे, इसको अंडरलाइन कर लो, इसको हाईलाइट कर दो, करेक्ट। तो ये मेरा सबसे पहला एजम्पशन है कि भैया प्रोडक्शन फंक्शन को मैं पीरियड के साथ में बोलूंगा, मुझे बताओ और कहां पे बोला था हमने, सर हमने ये डिमांड और सप्लाई दोनों में भी देखा था कि डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट, सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट, कि आपको कितना माल बिकता है कितने पीरियड में, करेक्ट, दोनों भी बोला था सर हमने, करेक्ट। हमने ये सिर्फ नहीं बोला था कि 1000 प्रोडक्ट की डिमांड है, हमको उसके बाद में ये बोलना पड़ता था कि 1000 प्रोडक्ट की डिमांड है 1 महीने में, और सिर्फ इतना भी बोल के रुकना नहीं था, हमको ये बोलना था 1000 प्रोडक्ट की डिमांड है 1 महीने में और उसकी प्राइस होगी जब 10 रुपए तब, करेक्ट, मतलब द करेक्ट सेंटेंस विल बी 1000 प्रोडक्ट की डिमांड 10 रुपए के प्राइस, मतलब 1 महीने में 10 रुपए के प्राइस पे 1000 प्रोडक्ट बिकते हैं,
ये मेरा पूरा स्टेटमेंट बनता है, या 1000 प्रोडक्ट की डिमांड है, ये मेरा पूरा स्टेटमेंट बनता था। वैसे यहाँ पे प्रोडक्शन में यू हैव टू ऑलवेज मेंशन इट इन रेफरेंस टू योर पीरियड। गेटिंग मी और नॉट? नेक्स्ट लिखना है अपने को, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी का दूसरा वर्ड होता है स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट इज इंपॉर्टेंट, या इसको बोले इज कॉन्स्टेंट, ऐसा माना जाएगा, इज कॉन्स्टेंट, इज कॉन्स्टेंट। एक एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल पहले आपके पास एक मशीन है 2010 में, एक नहीं ऐसा मानते चार मशीन है 2010 में आपके पास, चार मशीन है, चारों मिला के आप बनाते हो 10 टेबल्स पर डे, 10 टेबल्स पर डे। 2024 के अंदर भी आपके पास चार मशीनरी ही है, लेकिन आप बनाते हो 50 टेबल्स पर डे। कैसे, क्या, क्यों, वाई 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 वाई? हमने आपको बताया था कि भैया आउटपुट जो है वो इनपुट पर डिपेंड करता है, आउटपुट बढ़ाना है तो इनपुट बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो इनपुट बढ़ाया नहीं आपने, मान लो यहाँ पे बाकी भी जो है ना लेबर भी कांस्टेंट ही है, जो 2010 में जितना लेबर था उतना ही 2024 में भी है, करेक्ट? नहीं तो कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर आपने लेबर बढ़ा दिया होगा, बट नहीं, लेबर भी कॉन्स्टेंट है, फिर भी क्यों हुआ? एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ इनपुट्स यूज करके भी क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे बेटर टेक्नोलॉजी है यार, यहाँ पे बेटर टेक्नोलॉजी। पहले आपके पास कंप्यूटर था जिसका प्रोसेसर स्लो था, अभी आपके पास लैपटॉप आ गया जिसका प्रोसेसर फास्ट है। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर टेक्नोलॉजी बेहतर बन गई तो प्रोडक्शन बेहतर बनेगा ही, तो प्रोडक्शन फंक्शन कहाँ पे वर्क करेगा वो एक एज्यूम कर लेगा कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ पे है, और उसी टेक्नोलॉजी के साथ आप आगे जा रहे हो। जैसे आपने टेक्नोलॉजी बदल दी वैसे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो आपका जो ये इक्वेशन है ना, ये कब रहेगा सही? आप ये जो बोल रहे हैं ना, आपने जो बोला कि 10 टेबल्स इज इक्वल टू, ये ऊपर एक इक्वेशन बनाया था ना अपन, क्या बनाया था? हाँ, ये 10 टेबल्स इज इक्वल टू 10 टेबल्स पर डे इज इक्वल टू 100 kg रॉ मटेरियल प्लस 4 लेबर का 10 आवर्स। ठीक है, 10 टेबल्स मतलब 100 kg रॉ मटेरियल, 100 kg रॉ मटेरियल प्लस 4 लेबर का 10 आवर्स। ये कब बोलेंगे आप? एट 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 सर्टन टेक्नोलॉजी। जैसे आपने ये टेक्नोलॉजी बेहतर बना दी, ये 10 टेबल्स की 50 टेबल्स भी बन जाएंगे, 50 टेबल्स भी बन जाएंगे, 100 kg रॉ मटेरियल प्लस 4 लेबर इंटू 10 आवर्स के साथ में ही इसके 50 टेबल बन रहे, क्योंकि यहां पे टेक्नोलॉजी बेहतर, यहां पे क्या है, टेक्नोलॉजी इज बेटर। तो इसके लिए हमने क्या लिखा, सेकंड एजम्पशन इज टेक्नोलॉजी और स्टेट ऑफ द आर्ट इज कॉन्स्टेंट। ये हमारा एक एजम्पशन। तो पहला एजम्पशन था रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एग्जिस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आपको एक स्पेसिफिक टाइम के साथ साथ बोलना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन यहाँ पे मायने नहीं रखता। दूसरा इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि टेक्नोलॉजी और स्टेट ऑफ द आर्ट इज कॉन्स्टेंट, उसमें बदलाव नहीं है। जैसे उसमें बदलाव हो जाएगा योर प्रोडक्शन विल चेंज। एंड द थर्ड एजम्पशन इज थर्ड एजम्पशन देखना, इनपुट
inputs required, अच्छा required मतलब required inputs ऐसे लिखे, एक सेकेंड, required inputs will be, required के जगह एक काम करते हैं अवेलेबल लिखते हैं, अवेलेबल, अवेलेबल इनपुट्स विल बी कंबाइंड इन अ वे, कंबाइंड इन अ वे दैट इट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट। तो आपका फोकस किस पे रहेगा, मुझे मैक्सिमम आउटपुट निकालना है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसी तरीके से उसको कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा इनपुट्स का। मतलब मान लो आपके पास दो मशीनरीज है, तो उसके साथ में आपने अगर दो लेबर लगाए तो दो लेबर अलग अलग मशीनरी चलाएंगे, अच्छा प्रोडक्शन होगा। लेकिन उसी जगह आपको ध्यान में आएगा कि अगर मैं चार लेबर लगाता हूँ तो इसमें थोड़ा फायदा हो रहा है, वो लेबर एक दूसरे को हेल्प कर पा रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है, एक बंदा इनपुट्स लाके दे रहा है, दूसरा मशीन में डाल रहा है। फिर आपको ध्यान में आ गया कि अरे मैं अगर छह लेबर लगाऊं तो मेरे काम और डिवाइड होते जाएंगे, एक बंदा लेबर मतलब एक बंदा रॉ मटेरियल लाएगा, दूसरा मशीन में इंसर्ट करेगा, मशीन का जो भी फंक्शनिंग है वो ऑपरेट करेगा, तीसरा वाला जो है वो उसका आउटपुट निकाल के बाहर रखेगा, तो मेरा और ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो आप उस तरीके से उसको कॉम्बाइन करेंगे, आप उस तरीके से लेबर और मशीनरी का कॉम्बिनेशन बनाओगे कि जिससे आपका प्रोडक्शन मैक्सिमम हो। उसके बाद में आपको ध्यान में आएगा क्या, अरे चलो मैं आठ लेबर लगा तो चार चार लेबर काम करेंगे, एक जना हेल्पर रहेगा, आप क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताए, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर लेबर लगाए एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, चलने में दिक्कत आएगी, जगह कम पड़ेगी, टाइम पास करेंगे, एक बंदे के पास कोई काम नहीं, वो फालतू में छेड़खानी करेगा, झगड़े हो जाएंगे, इसमें प्रोडक्शन कम होगा। तो आप क्या करोगे, फिर आठ लेबर नहीं लगाओगे, फिर आप जाओ चलो छः ही ठीक है मेरे लिए, करेक्ट। ज़्यादा लेबर हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाता है, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन बनाएगी कि आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। तो तीन एजम्पशन क्या था, सबसे पहला एजम्पशन था कि आपका ये जो भी इक्वेशन है, प्रोडक्शन फंक्शन जो भी है, इट विल बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, करेक्ट। एक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन डजंट मैटर। दूसरा, टेक्नोलॉजी और स्टेट ऑफ द आर्ट इज कॉन्स्टेंट। एंड थर्ड वन, द इनपुट्स विल बी कंबाइंड इन सच अ वे दैट इट विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम आउटपुट। गेटिंग मी? चलिए फिर अभी क्या बाकी है अपना, सिर्फ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिस्कस करना बाकी है अपना, राइट। सो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। तो जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, फिर हम ये भी देखने वाले हैं कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन फंक्शन में क्या डिफरेंस पड़ता है। उसके बाद में फिर एक एक प्रोडक्शन फंक्शन अलग से देखेंगे कि शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन इन डिटेल, देन लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन इन डिटेल, और उसके बाद में फिर से एनालिसिस करेंगे। सो नीचे एक हेडिंग डालेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, इसको हम दो पार्ट में पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा आपका लॉन्ग रन, दूसरा हो जाएगा, सॉरी पहला शॉर्ट रन कर देते, पहला हो जाएगा शॉर्ट रन, दूसरा हो जाएगा लॉन्ग रन। ये मेरे साथ भी लिखा तो चलेगा, आपने यहाँ पे कुछ आपको समझाने वाला पार्ट नहीं है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सो ये डायग्राम मेरे साथ ही बनाओ। शॉर्ट रन का जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको नाम है द लॉ ऑफ, या शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन का लॉ वर्क करता है वो है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, वेरिएबल प्रपोर्शन। और लॉन्ग रन में जो लॉ है उसका नाम है रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू स्केल। ये फटाफट लिख लो और उसके बाद में फिर स्क्रीन पे ध्यान, मतलब स्क्रीन पे ध्यान दो, फिर और कहीं ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका। 7 से 8 मिनट का सिर्फ आपका पार्ट बचा है, उसके अंदर अपने को ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
उसी दिन का एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे हम लोग। देखो मान लो मुझे 10 टेबल्स बनाने हैं, 10 टेबल्स बनाने के लिए मुझे चाहिए 100 kg ऑफ रॉ मटेरियल प्लस 4 लेबर प्लस 4 मशीन। ये सब चीजें रखने के लिए एक शेड भी लगेगा, तो मैं उसको बिल्डिंग बोल सकता हूँ, वन बिल्डिंग। अब होता क्या है देखना, सुना मेरी बात, बहुत ध्यान देके सुनना। रॉ मटेरियल मुझे चाहिए तब मैं बढ़ा सकता हूँ, मुझे क्या टेंशन है, सप्लायर का ऑर्डर दे दिया आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन का टाइम लगता है सप्लायर से, वो स्टॉक लेके ट्रक निकलेगा मेरे यहाँ पे फैक्ट्री पे आके उसको उतार देगा, 2 या 3 दिन लगेंगे। मैं उसको पकड़ता हूँ 1 हफ्ता पकड़ दे उसको, ठीक है, 1 वीक। 1 वीक के अंदर मैं रॉ मटेरियल की क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ जितनी चाहिए उतनी। 100 kg का मैं 200 kg कर सकता हूँ, 300 kg, 500 kg, कोई टेंशन नहीं। मुझे अगर लेबर बढ़ाना है तो अभी मेरा जो है 4 मशीन से मेरे साथ में, उसके लिए 4 लेबर है, तो वो स्किल्ड लेबर है, वो पूरा मशीन जानता है कैसे चलाना है क्या नहीं, रॉ मटेरियल कैसे डालना है, आउटपुट कैसे निकालना है, अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे ठीक करना है, मेजरमेंट अगर कम ज्यादा करना है उसका, जो भी सेटअप है वो सब कुछ जानता है, वो स्किल्ड लेबर है। अगर मुझे लेबर बढ़ाना है तो मैं डायरेक्टली किसी को भी उठा के लाके मेरे यहाँ पे काम पे नहीं लगा सकता, मुझे नया लेबर लाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा अच्छा आदमी, और उसको ट्रेन भी करना पड़ेगा। तो मान लो कि मुझे लेबर अगर बढ़ाना चाहता हूँ मैं, तो मुझे लगते हैं उसके लिए मान लो 2 मंथ्स, कि 1-2 महीना लेबर को ढूंढने में, और 2 महीने मुझे लेबर को, मतलब 1 महीना ट्रेन करने में, ऐसे 1 और 1 2 महीना लगेगा। मशीन जो है, मशीन तो भैया कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, 50-60 लाख की मशीन आ रहे मेरे, तो मैं सडनली 1-2 महीने में, 1 हफ्ते में, 4 दिन में, 8 दिन में तो नहीं बढ़ा सकता इसको, तो मुझे फिर प्लानिंग लगेगी, मुझे बैंक लोन करवाना पड़ेगा, और हर 6 महीने में थोड़ी ना बढ़ती है मशीनरी वगैरह, गेटिंग में ना। इसको करने के लिए मुझे कम से कम 1 साल का तो भी प्लानिंग चाहिए, और अगर मुझे बिल्डिंग नहीं बनवानी है तो मुझे कम से कम चाहिए 2 साल, ठीक है। इतना अगर ध्यान में आ गया तो अगली बात सुनो, मुझे टाइम दिया गया कि मुझे पता चल गया कि मार्केट में मेरे जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ज्यादा है, बस जबरदस्त डिमांड है, टेबल बहुत सही बिक रहे, मार्केटिंग टीम तोड़ काम कर रही है एकदम, बहुत ही बढ़िया। मुझे पता है कि आज जो मैं महीने के 300 टेबल बेच रहा हूं ना, इसका अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ाता हूं, मैं इसको अगर 600 टेबल भी बोलता हूं ना, 600 टेबल बेचने हैं मुझे तो भी मैं कर सकता हूं, गेटिंग मी, 600 भी टेबल में बेच सकता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन की कैपेसिटी डबल करनी पड़ेगी। टू डबल द प्रोडक्शन कैपेसिटी आई हैव टू बाय 200 kg ऑफ रॉ मटेरियल पर डे, प्लस 8 लेबर लगेगी जो अभी 4 है, प्लस मुझे 8 मशीनरी लगेगी, प्लस मुझे 2 बिल्डिंग्स लगेंगे। बट ये सब काम करने के लिए मुझे 2 साल लग रहे, 2 ईयर्स। अब मुझे पता है कि यार मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट इतना अच्छा काम करे कि मैं अभी प्रोडक्शन करूंगा, अभी बेच सकता हूं मैं, तो मैं 2 साल क्यों रुकूंगा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। फिर सर बोले, आप क्या करेंगे फिर सर, इसको तो बिल्डिंग बनाने के लिए 2 साल तो लगेंगे आपको। तो बच्चों एक काम कर सकते हैं ना, इसके लिए मुझे यह पता है कि मैं रॉ मटेरियल तो कभी भी बढ़ा सकता हूँ, तो चलो 200 kg रॉ मटेरियल कर लिया मैंने, मैं 1 या 2 लेबर, एकदम से 4 लेबर लूंगा, सबको ट्रेन करूंगा, थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। मैं क्या करता हूँ, 4 की जगह मैं 6 लेबर करता हूँ, 2 लेबर नए लाए और उनको तुरंत मैंने ऑन जॉब ट्रेनिंग देना चालू कर दिया, ऑन जॉब। उनको बोला डायरेक्टली, 1-2 दिन उनको सिखाया मशीन कैसे चल रही, उनको बोला डायरेक्टली काम पे लग जाओ। जो ऑलरेडी उस मशीन के साथ में एक एक बंदा काम कर रहा है ना, हर मशीन के साथ में एक बंदा, ये 2 लोग उनको हेल्प कर रहे, रॉ मटेरियल लाने के लिए हेल्प कर रहे, पानी दे रहे उनको, बाकी जो छोटे मोटे काम होंगे, क्लेरिकल काम होंगे वो कर रहे, उनको हेल्प कर रहे। मशीन अभी भी 4 ही है, 4 मशीन, प्लस बिल्डिंग भी 1 ही है। तो देखना मैंने आउटपुट क्या क्या बढ़ा दिया मेरा, यहाँ पे मैंने रॉ मटेरियल बढ़ा दिया 100 kg, यहाँ पे मैंने 2 लेबर बढ़ा दिए, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं बढ़ाया, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं बढ़ाया, ये 2 चीजें मैंने बढ़ा दी, करेक्ट, और ये 2 चीजें मैंने नहीं बढ़ाई। तो अभी देखना मेरा प्रपोर्शन चेंज हो गया। अब बोलोगे सर ये प्रपोर्शन कहाँ से ला लिया अपने, इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स क्यों गुजार रहे हो आप? तो बच्चों सुनो, प्रपोर्शन पता है ना आपको, जैसे 10 केले है, 10 बनाना, और आपके पास है 20 एप्पल्स है,
तो इसका प्रोपोर्शन क्या है बच्चों, 1:2, इसको आप 2:4 बोलो, 3:6 बोलो, 4:8 बोलो, सब कुछ सही है। आपके पास कल जाके 100 बनाना है तो केले कितने, ये एप्पल्स कितने लाने पड़ेंगे, 200। अगर आपके पास 1000 बनानाज है तो एप्पल कितने लाने पड़ेंगे, 2000। तब क्या बोलेंगे हम ये कि प्रोपोर्शन सेम है, प्रोपोर्शन क्या है पे? सेम है। उसी तरीके से मैंने यहां पे रॉ मटेरियल डबल कर दिया ना, 100 केजी को डबल कर दिया, यहां पे प्लस लिखा ना मैंने उसको, मैं मल्टीप्लिकेशन में लिखता हूं। यहां पे मैंने रॉ मटेरियल को किया डबल, 100 केजी था रॉ मटेरियल उसको मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से। लेबर मेरे पास पहले 4 थे, अभी 6 हो गए, मतलब मैंने मल्टीप्लाई किया 1.5 से। मशीनरी मेरे पास पहले 4 थी, अभी भी 4 है, मतलब मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से। बिल्डिंग पहले भी 1 थी, अभी भी 1 है, मतलब बिल्डिंग को भी मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से। जब ये मल्टीप्लीकेशन वाला फैक्टर अलग अलग है, सेम है क्या ये, नहीं अलग अलग है, मतलब ये वैरी कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर वैरी कर रहा है, प्रपोर्शन मैच नहीं रहेगा। अभी पहले क्या था प्रपोर्शन, 100 केजी का रॉ मटेरियल, 4 लेबर, 4 मशीन, 1 बिल्डिंग, ये प्रपोर्शन है। 100 को जैसे मैंने 200 किया, सब कुछ डबल होना चाहिए था, अगर सब कुछ डबल होता तो प्रोपोर्शन रहता सेम। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 सब जगह रहता, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो प्रोपोर्शन रहता सेम। बट क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शन अभी चेंज हो गया, रॉ मटेरियल को आपने 2 से गुना कर दिया, लेबर को आपने 1.5 से गुना कर दिया, मशीनरी लेबर को आपने 1 से गुना किया, मतलब उसमें तो कोई चेंज किया ही नहीं, प्रोपोर्शन चेंज हुआ या नहीं। किसका प्रोपोर्शन चेंज हुआ, इनपुट का प्रोपोर्शन चेंज हुआ। इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या, जी हाँ जरूर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, पहले 10 टेबल बनाते थे दिन के, अभी मान लो आप 13 टेबल बना पा रहे हो दिन के, प्रोपोर्शन तो बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं होगा। अब प्रोपोर्शन नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोडक्शन तो जरूर बढ़ेगा। आपने अगर आपका इनपुट का प्रोपोर्शन भी चेंज कर दिया, कुछ ना कुछ इनपुट आपने अगर बढ़ा दिया तो प्रोडक्शन जरूर बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन रॉ मटेरियल डबल करने से आपका प्रोडक्शन सडनली डबल नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर काम करने को लेबर ही नहीं ना। गेटिंग में पहले 100 केजी रॉ मटेरियल यूज करके 10 टेबल बना रहे थे, आज 200 केजी रॉ मटेरियल लाके दे दिया आपने, बट आपके पास 8 लेबर है ही नहीं, आपके पास 8 मशीनरी है ही नहीं, आपके पास 2 बिल्डिंग है ही नहीं, तो क्या होगा, पूरा 100 के 100 केजी रॉ मटेरियल यूज होगा ही नहीं। 100 केजी में से यूज होगा 150 या 130 केजी ही रॉ मटेरियल यूज होगा कहीं ना कहीं। तो उसकी वजह से क्या होगा, इनपुट का जो प्रपोर्शन है वो वैरी हो गया। अभी वो पहले जो प्रपोर्शन था इनपुट का एक दूसरे के साथ में, वो सेम नहीं रहा। अभी रॉ मटेरियल को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, लेबर को 1.5 से, मशीनरी को 1 से, बिल्डिंग को 1 से, ये प्रपोर्शन चेंज हुआ। इसलिए इसको बोलते द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, द लॉ ऑफ इसको इसके लिए क्या बोलते द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये क्यों किया आपने, क्योंकि आपको गड़बड़ है प्रॉफिट कमाने की। आपको ये पता है कि मैं अगर सब कुछ डबल करने की कोशिश करूंगा, मैं और एक शेड बनाऊंगा, उसमें 4 मशीनरी लगाऊंगा और 4 लेबर लगाऊंगा और फिर वहां पे रॉ मटेरियल लेके आऊंगा, मेरा प्रोडक्शन 10 टेबल्स पर डे से 20 टेबल्स पर डे पे चला जाएगा, कोई दो राय नहीं उसमें। लेकिन 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 ये सब कुछ मैं सडनली नहीं कर सकता, तो मैं नई मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए मुझे पहले शेड बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिकली समझो, पहले शेड बनाऊंगा, फिर मशीनरी इंस्टॉल करूंगा, फिर लेबर को लाके ट्रेन करूंगा, रॉ मटेरियल लूंगा, फिर मेरा प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। बट ये सब करने को मुझे लगेंगे 2-2.5 साल, अभी तक मैं रुक नहीं सकता ना। तो मैंने पहले क्या कर दिया, एग्जिस्टिंग मशीनरी है ना मेरी, उधर ही मैंने और 2 हेल्पर लगा दिए, जो ये लेबर को हेल्प करने वाले उसको हेल्पर लगा दिया मैंने, और मेरा प्रोडक्शन बढ़ा दिया मैंने, जो 10 टेबल बनाता था पहले अभी 13 बनाना चालू कर दिया, रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा परचेस कर लिया, लेबर 2 एक्स्ट्रा लगा दी, और जो भी थोड़ा बहुत प्रोडक्शन बढ़ सकता है वो मैंने बढ़ा दिया। और ये प्रोडक्शन जब बढ़ा तो ये बढ़ने का रीजन है क्योंकि मेरे इनपुट्स बढ़ गए, लेकिन कुछ इनपुट्स बढ़े, कुछ इनपुट्स नहीं बढ़े। जो इनपुट बढ़े वो भी रॉ मटेरियल डबल हो गया, लेबर 1.5 गुना हुआ सिर्फ, तो एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन से नहीं बढ़े। तो इसके लिए अगर मुझे तुरंत के तुरंत शॉर्ट रन में जल्दी जल्दी में अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो मैं ये सोचता हूँ कि
मैं कौन से टाइप के इनपुट बढ़ा सकता हूँ और मैं वो फटाफट बढ़ा के मेरा काम चालू कर देता हूँ। तो ये फटाफट जो चीजें बढ़ रही है उसके वजह से जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है इसको हम बोल रहे हैं द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि इनपुट्स का प्रोपोर्शन चेंज हो गया है इसके अंदर। पहले मेरा प्रोपोर्शन क्या था? पहले मेरा प्रोपोर्शन था 100:4:4:1, ये मेरा पहले प्रोपोर्शन था। अभी मेरा प्रोपोर्शन क्या है? 200:6:4:1। तो ये मेरा प्रोपोर्शन चेंज हो गया ना, ये वेरी हो गया, चेंज हो गया मतलब वेरी हो गया, इसके लिए द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लेकिन मैं ये शान बैठूंगा ये करके, इसके साथ साथ मेरा जो लॉन्ग टर्म प्लान रहेगा प्रोडक्शन बढ़ाने का वो भी मैं चालू रखूंगा। साथ में मैं जमीन देखना चालू करूंगा, फिर उसके ऊपर शेड बनाऊंगा, शेड बनने के बाद में मशीन लाऊंगा, फिर लेबर ऐड करूंगा और फिर मेरा काम बढ़ाऊंगा, और ये तो मैं साथ साथ में चालू करूंगा ही। तो 2-2.5 साल तक जो मैं बैकग्राउंड में जो मेहनत कर रहा हूँ किसी को नहीं दिख रही है, उसके बाद में मेरे पास क्या बन गया? अभी मेरे पास बन गई 2 बिल्डिंग। इस 2 बिल्डिंग में रखे हुए 8 मशीन्स, ये 8 मशीन को चलाने वाले 8 लेबर्स, और अब मैं जो 200 kg का रॉ मटेरियल ले रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा इस्तेमाल हो रहा है एक ही दिन में, और ये सब कुछ यूज होके अभी मेरा 20 टेबल्स का मैं प्रोडक्शन कर पा रहा हूँ, 20 टेबल्स। अब ये जो 10 का 20 हुआ ना, 10 का जो 20 हो गया, ये क्यों हुआ पता है? क्योंकि 100 kg का 200 हुआ, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से। जो मेरे पास पहले 4 लेबर थे उसका अभी 8 लेबर हो गए, यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से। पहले मेरे पास 4 मशीनरी थी, अभी मेरे पास 8 मशीनरी है क्योंकि मैंने उसको भी मल्टीप्लाई किया 2 से। पहले मेरे पास 1 बिल्डिंग थी, अभी मेरे पास 2 बिल्डिंग्स है क्योंकि मैंने उसको भी मल्टीप्लाई किया 2 से। मैंने सबको सेम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया, एक ही अमाउंट से मल्टीप्लाई किया, तो प्रोपोर्शन रहता है सेम। कैसे सर? देखो बच्चों, पहले क्या था? 100:4:4:1, अभी क्या है? 200:8:8:2। इसको आधा कर दो 200 को, इसको सबको डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय टू करो इसको, तो फिर से ये बनेगा 100:4:4:1। मतलब ये मेरी जो फर्स्ट सिचुएशन थी और ये जो मेरी सिचुएशन है 2 इयर्स के बाद में, 2 इयर्स प्लस के बाद में, ये दोनों का प्रोपोर्शन सेम है। गेटिंग नहीं? यहाँ पे प्रोपोर्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। पूरी स्केल बढ़ा दी मैंने, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको क्या किया मैंने? 2 से मल्टीप्लाई। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न्स टू स्केल। मैंने यहाँ पे जो रॉ मटेरियल बढ़ा दिया ना, वो पूरा स्केल में, मतलब सबको बढ़ा दिया। गेटिंग मी? तो इसलिए ये नाम जो बने हैं ना इसके, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ये यहां से आए। अभी आप बोलोगे सर ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है क्या? लेकिन वो मैं समझाऊंगा आपको बाद में, वो मैं अभी समझाया नहीं आपको। अगर आपको डाउट आ रहे होंगे कि अरे यार मुझे तो ये समझा ही नहीं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, रिटर्न टू स्केल क्या है, ये तो मुझे समझाया नहीं, तो कोई टेंशन का काम नहीं है, वो मैंने अभी समझाया है नहीं आपको, वो नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे। अब इस वीडियो में जो मैं आपको बताना चाह रहा था ये है कि शॉर्ट टर्म में आप हर एक वेरिएबल को नहीं बढ़ा सकते, इसलिए कुछ वेरिएबल को बढ़ाओगे, कुछ वेरिएबल को नहीं बढ़ाओगे, इसलिए आपके इनपुट का जो रेशो था पहले का, वो रेशो चेंज हो जाएगा, वो प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा। इसलिए शॉर्ट टर्म में जो प्रोडक्शन का लॉ वर्क करता है ना, उसका नाम है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और लॉन्ग रन में आप सारे इनपुट्स बढ़ा सकते हो, और जब आप सारे इनपुट्स बढ़ाओगे तो आप सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाओगे, क्योंकि यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, क्या बोल सकते, यू आर गोइंग टू गेट हाईएस्ट एफिशिएंसी। आपको सबसे ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए ना। आपको पता है कि भैया मेरे पास पहले 1 बिल्डिंग थी, अभी 2 बिल्डिंग आ गई, तो मेरी पहली बिल्डिंग में 4 मशीनरी, तो मैं दूसरी बिल्डिंग में 2 या 3 मशीनरी लगाऊंगा ही नहीं ना, मैं तो 4 मशीनरी लगाऊंगा, क्योंकि आई विल ऑलवेज गो फॉर हाईएस्ट प्रोडक्शन, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, हाईएस्ट एफिशिएंसी। गेटिंग मी? तो मैंने अगर 1 बिल्डिंग बढ़ाई तो मैं 4 मशीनरी और बढ़ा दूंगा, 4 मशीनरी बढ़ाए तो 4 लेबर और बढ़ा दूंगा, 4 लेबर अगर और बढ़ाए तो रॉ मटेरियल भी डबल कर दूंगा, मैं सबको डबल कर दूंगा ना, क्योंकि मुझे मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है। तो
तो इसके लिए ये पूरी स्केल ही बढ़ जाएगी, पूरा का पूरा सेटअप नया बन जाएगा, करेक्ट। तो इसके लिए उसको बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल, गेटिंग मी। बस आज अगर आपको इतना समझ गया तो इतना काफी, कोई टेंशन। नेक्स्ट वीडियो से अपन चालू करेंगे द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और उसके बाद में फिर हम देखेंगे द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। समझ आ गया आपको? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।